तो दोस्तों तुम लोग रैंक पुश करना चाहते हो एंड तुम्हारे पास स्क्वाड नहीं है तो डोंट वरी, तुम्हारा भाई बैठा है यहाँ पर। मैं तुम लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि तुम लोग सोलो रैंक पुश कैसे कर सकते हो। लेकिन तुम लोग अगर रैंक पुश करना चाहते हो तुम्हें स्क्वाड में बहुत ही अच्छा बनता है एंड तुम्हारे पास स्क्वाड नहीं है तो तुम्हारा भाई बताएगा। तो मैं तुम लोगों को इस वीडियो में पूरा बताऊंगा तुम लोग क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारा रैंक पुश अच्छी तरह से, मतलब 10 टॉप 10 टॉप 5 में तुम लोग जरूर से पहुंच जाओगे एंड भूया भी होगा कभी कभी। एंड अगर आप लोग कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहो अपने ऊपर, मतलब एकदम एडवांस रहो अपने ऊपर के कि मैं जीत जाऊंगा गेम, ऐसे करके खेलोगे तुम लोग का भी भूया होगा एंड तुम लोग, मैं बताऊंगा उस ट्रिक से तुम लोग टॉप 5 या टॉप 10 तो जरूर से पहुंच जाओगे, इससे तुम लोगों का गेम माइनस नहीं होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं तो मैं तुम लोगों को गेम स्टार्ट करके बताऊंगा। तो गेम स्टार्ट हो रहा है अपना। गेम स्टार्ट होने के बाद तुम लोगों को ये ध्यान रखना है कि तुम लोग उतरना कहाँ है। बहुत सारे बंदे जानते भी होंगे कि सोलो में हम लोगों को उतरना कहाँ है। तो सोलो में भाई तुम लोगों को प्रो प्लेयर नहीं हो जो एकदम जाकर पिक में उतर जाओगे, जैसे फैक्ट्री में उतर जाओगे, तो ऐसे नहीं उतरना है तुम लोगों को। ऐसी जगह पे उतरना है जहाँ बंदे बहुत कम जाते हो, जैसे नदी के किनारे हो गया, जहाँ घर छोटा छोटा होता है ना, जहाँ लूट बस मिल जाए। तुम लोगों को अपनी लैंडिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर तुम लोग फर्स्ट ही गलती कर देते तुम लोग रैंक पुश कैसे टॉप 10 टॉप 5 में कैसे पहुंच पाओगे। तो तुम लोगों को पहले ध्यान रखना है लैंडिंग तुमको कहाँ करना है। ऐसी जगह पर करना है जहाँ बंदे बहुत कम जाते हो एंड घर वर जहाँ एक आग दो हो, जहाँ बंदे बहुत ही कम जाते हो, ऐसी जगह, मतलब समझ रहे हो ना। लेकिन तुम लोग लैंडिंग करते हो ना उतने समय तुम लोग गन को देख लेना है ऊपर से, गन कहाँ है, कोई किस तरफ है, तो उसके ऊपर गन के ऊपर उतर जाना है तुम लोगों को। अगर एनी पे के पास गन है और तुम्हारे पास नहीं है तो वो तुम्हें अच्छा खासा पेल देगा, तो ऐसे नहीं करना है, तुम्हें गन के ऊपर उतरना है एंड तुम भी पेल पाओ उसे हल्का फुल्का। एंड तुम्हारे पास गन भी नहीं रहेगा वो तुम्हें अच्छा खासा पेल कर चला जाएगा, सॉरी तुम लोग एक भी नहीं पेल पाओगे तो कैसे बनता है भाई, सॉरी ये बहुत ज़्यादा हो गया। थर्ड, तुम लोग अगर गन वन ले चुके हो एंड तुम्हारे पास में बंदा है या नहीं है तो तुम लोगों को एक बात और ध्यान देनी है कि अगर पास में बंदा है तो उसे ख़त्म करना है पहले, उसे छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है उससे, उसे पहले ख़त्म कर लेना है। एंड अगर आप लोग कॉन्फिडेंट मतलब मार नहीं सकते तो उसे उसे चुपके से निकल जाना है, ये बात आप लोग ध्यान में रख लेना है। अगर आप मार सकते हो तो उसे मारो जाके, वो तुम्हारे ऊपर पहले तुम्हें मार देगा, नहीं तो अगर गन मिल गया तो सीधा मारने दौड़ो, अच्छे से लूट कर लो, मतलब लूट करने में ध्यान मत देना, मतलब उसे मारने चले जाना, क्यों वो लूट करके अच्छा खासा तुम्हें पेल कर चलाएगा, किस तरफ भाग जाएगा क्या पता, पहले उसे मार लो। या अगर तुम लोग कैंपिंग करते हो तो भाग जाओ वहाँ से, क्योंकि हर बंदा तो प्रो नहीं होता जाके उसे मार देगा पेल के, मेरे को पता है। दो तरीके से जो रैंक पुश होता है, पहला कैंपिंग करके, दूसरा रश करके। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा दोनों बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहना है। एंड अभी तक देख रहे हो तो क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इस वीडियो में अभी कॉम्बिनेशन नहीं बताऊंगा, करेक्टर कॉम्बिनेशन कौन सा रखना है इसमें रैंक पुश में, मैं कल या परसों या कुछ दिन वीडियो अपलोड करूंगा, कल या परसों अपलोड कर दूंगा जिसमें तुम लोगों को करेक्टर कॉम्बिनेशन कौन सा रखना चाहिए रैंक पुश में, सोलो में, स्क्वाड में, इसमें बताऊंगा। स्क्वाड तो खेलोगे नहीं अभी, जितने जने हो सोलो में बताऊंगा, सोलो में आ जाएगा वीडियो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। जिस जगह पर तुम लोग उतरे हो मतलब लैंडिंग किए हो वहाँ पर तुम लोगों ने अच्छा खासा लूट कर लिया एंड तुम लोगों को लगता है कि वहाँ पर अब बंदे आ सकते हैं, मैं जहाँ पर रुका हूँ वहाँ पर बंदे आ सकते हैं एंड मेरे को मार भी सकते हैं, मार सकते हैं ऐसे लग रहा है, तो वहाँ पर से तुम लोगों को कल्टी मार रहे हैं, मतलब भाग जाना है वहाँ पर, समझ रहे हो, वहाँ से तुम लोगों को कल्टी मार लेना है इजीली से। एंड तुम लोगों को लगता है कि वहाँ पर बंदे नहीं आएंगे तो वहाँ पर रुक जाना है, ये समझ लेना, ध्यान में रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मन बोल रहा है तो उसका भी बात मान लेना तुम लोग एक बार। थर्ड मतलब फोर्थ में आते हैं हम लोग, तो अगर तुम लोग कैंपिंग करने वाले हो तो ऐसी कुछ जगह पर आकर लोग तुम लोग को छिप जाना है। एंड अगर कैंपिंग करते हो तो अगर तुम लोग रश करते हो तो ऐसी जगह पर आकर सीधा हमला कर देना है। अगर आप लोग टॉप 10 में आ चुके हो तो अब टॉप 10 में आ चुके हो तो ये भी समझ लाना। और एक बहुत और इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हें जोन का भी पता लगाना है कि जोन कहाँ बन रहा है अभी, तो तुम्हें ये देख लो यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसे तुम लोगों को ले लेना है, कहीं पर भी मिल जाता है, बहुत सारी जगह पर मिलता है, क्लॉक टावर पर मिल जाता है, बहुत सारी जगह पर मैंने देखा है, इसे मैं भी यूज़ करता हूँ पर्सनली, जिससे मेरे को जोन का पता चल जाता है। मैंने सोलो में कल या परसों रैंक पुश किया था, इसमें मैंने बहुत बहुत बार इसका यूज़ किया था, बहुत ही अच्छा हेल्प कर देता है कि जोन कहाँ बन रहा है, उसे तुम लोग सेफ जोन हो सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब एनिमी को पता चले ही तुम लोग जाकर सेफ जोन हो सकते हो, उससे जरूर से अगर मिलता है तो ले लिया करो, कैसे भी
करके इसे जरूर से ले लेना। कहीं पर भी ध्यान देना, ये कहीं पर भी रहता है। लास्ट टिप जो मैं फॉलो करता हूँ, अगर तुम लोग उसे फॉलो करते तुम लोग भी रैंकोस हो सकते हो बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर तुम लोग अगर जोन जाते हो तो जोन फर्स्ट जोन में तुम लोग को सीधे नहीं चले जाना है, मतलब जोन में आसानी से तुम लोग को लूट करना है, बहुत ज़्यादा लूट कर लेना है। उसके बाद तुम लोग जोन के पास जाओ। मैं यहाँ पर देखो बहुत सारा लूट कर लिया, उसके बाद मैं मेडी वेडी मार लिया। मैं मरता भी, मतलब मरोगे भी नहीं इस जोन में, फर्स्ट जोन में जानते हो कि डैमेज बहुत कम लेता है। ऐसे तुम लोग को करना है। और यहाँ पर देख सकते हो मैं इतना देर में जा रहा हूँ, इसलिए कितना बंदा, 11 बंदे बचे और मैं एक बंदा मरा, एक जो एनिमी मरा मेरा वो मैं आ गया वहाँ पर टॉप 10 में। तो ऐसे तुम लोगों को खेलना है। यहाँ पर देखो मैं टॉप 10 में आ भी चुका। मैंने इस वीडियो में तुम लोगों को टॉप 5 सीक्रेट टिप बताया, जिससे तुम लोग बहुत ही अच्छा सोलो में रैंक पुश कर सकते हो एंड टॉप 5 एंड टॉप 10 में जरूर से पहुँच जाओगे। अगर तुम लोग ऐसी तरीके से उतरते हो वहाँ पर, अच्छी तरीके से लैंडिंग करते हो एंड अच्छी तरीके से जोन का पता लगा लेते हो, तो सही में तुम लोगों का टॉप 10 टॉप 5 एंड भूया भी हो सकता है। तो ये समझ आ गया। एंड तुम लोगों को लास्ट में एक बार और बता दे रहता हूँ, अगर तुम लोगों को वीडियो चाहिए करेक्टर कॉम्बिनेशन बेस्ट रैंक पुश सोलो के लिए, तो कमेंट कर देना, चाहिए तो यस लिख देना, नहीं चाहिए तो नो लिख देना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।